अरे जय मसीह की दीपा, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो पास्टर जी? आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। अच्छा दीपा, मैं वचन पढ़ रहा था और मेरे मन में बहुत ज्यादा ये इच्छा है कि मैं आज पूछूं आप लोगों से जो भी प्रार्थना में आ रहे हैं कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या बनना चाहते हैं? आपको लगता है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ? नहीं, वो लग तो नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आया। वैसे क्या बात करते हैं पास्टर जी, आजकल तो हर कोई आवाज से पहचान लेता है। वो शायद इतना होशियार में नहीं हूँ। अब क्या बनना चाहते हैं? मैं ना कैटरीना कैफ बनना चाहती हूँ। कैटरीना कैफ? कैटरीना कैफ बनना चाहती है? हाँ जी। अहो, कैटरीना कैफ? क्या कैटरीना कैफ ने बोला है आपको कि कैटरीना कैफ मेरे जैसी बनो तुम? बिल्कुल भी नहीं बोला, मेरी इच्छा है, मैं उसको पसंद करती हूँ। और आपको पता है मेरा हेयर स्टाइल मेरा फेस का उससे मिलता जुलता है। बिल्कुल मिलता जुलता है। और आपको पता है मैंने ना एक्टिंग स्कूल में एडमिशन भी लिया है। एक्टिंग स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। और आपको पता है फीस कितनी है उसकी? कितनी? 15,000। 15,000? हे प्रभु, क्या होगा तेरे लोगों का। ठीक है, बैठ जाओ दीपा, अभी शुरू करेंगे, लोग आ जाएं, बस प्रार्थना शुरू करेंगे अभी। जय मसीह की फाटे जी। अरे जय मसीह की अंकल, कैसे हो? बढ़िया। अच्छा अच्छा अंकल, मैं अभी पूछ रहा था दीपा से कि आप कैसा बनना चाहते हैं, तो उसने बताया, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं तो मुलायम सिंह बनना चाहता हूँ। मुलायम सिंह बनना चाहते हैं? मुलायम सिंह क्यों बनना चाहते हैं? मुलायम सिंह हमारे फेवरेट नेता हैं भाई, हमारे गांव के हैं। फेवरेट नेता है? क्या बात है, क्या खूबी है उनमें? आप जो टीवी पे उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें आती है, तस्वीर हमारी पुरानी थी टीवी के अंदर। ठीक है अंकल जी, आप तो उनके जैसे बनना चाहते हैं, मुलायम सिंह जैसे। अच्छा ठीक है, खत्म होगी साहब प्रार्थना? 8 बजे खत्म होगी, 8 बजे खत्म होगी प्रार्थना। बैठ जाइए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की भैया। अरे जय मसीह की पूनम, कैसे हो? भैया मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया एकदम। अभी तो आई हो, 8 बजे खत्म होगी। ओह माय गॉड, सारे आप मुझे तो डांस इंडिया डांस आएगा और मैं सो तो मैं रोज देखती हूँ। ओहो, तो इतना प्यारा, तो इतना पसंद है डांस इंडिया डांस? हाँ भैया, उसमें गीता कपूर है ना, वो तो कमाल की कोरियोग्राफर है, बड़े बड़े फिल्मों में काम करती है। हैं? हाँ भैया। तो आपको उनके जैसा बनना है? हाँ भैया, मैं उसके जैसा बनूंगी। अच्छा, आपको फिल्मों में काम करना है? हाँ। जय मसीह की। क्या बोल रहे हैं आप? टीवी पे आओगे? हाँ। हे प्रभु, बैठ जाइए बेटा। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की भैया, क्या हाल है? ठीक है पास्टर जी। बढ़िया, बड़े खुश लग रहे हो आज। हाँ, आज जो है नरेंद्र मोदी के प्रचार मैंने सुना, बहुत ही मुझे अच्छा लगा और मैं बहुत फैन हो गया नरेंद्र मोदी का। तो आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं, आप नरेंद्र मोदी जैसे बनना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जैसा बनना चाहता हूँ। उन्होंने बोला है कि आपको? नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है। अच्छा। उनका फैन हो गया हूँ, उनके भाषण सुन के। अच्छा, क्यों? आप कितने, ऐसा क्या देखा आपने उन्हें? उनका प्रचार बहुत अच्छा लगा मेरे को। अच्छा, तो उनके 125 करोड़ लोग जो उसके फैन है, मैं भी उनमें एक फैन हूँ उनका। अच्छा, पूरी दुनिया में घूमना चाहता हूँ, मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ। प्रभु बचाए बुरी नजर से। बैठ जाइए। सबको जय मसीह की। सोनू भैया जय मसीह की। अरे जय मसीह की सुमित भाई, कैसे हो? ठीक बिल्कुल, आप कैसे हो? बढ़िया 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 एकदम, बस थोड़े से परेशान भी हैं क्योंकि
लोगों की इच्छाएं बहुत ज्यादा ऊपरी हवा में हैं। अच्छा मैं सबसे पूछ रहा था, ये पता नहीं क्यों सुबह से मन में कुछ हो रहा है कि मैं पूछूं उन लोगों से आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं सुमित भाई? भैया मैं तो प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना चाहता हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह जैसे बनना चाहते हैं आप। अच्छा आप क्यों बनना चाहते हैं यीशु मसीह जैसा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे यही कहा है कि जैसा मेरा स्वभाव है ऐसा ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, जैसे मतलब कि जैसा मैं हूँ ऐसे तुम लोग भी बनो। अच्छा आपकी बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। क्या आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप यीशु मसीह? वचन से। अच्छा आप बता सकते हैं कुछ वचन आप हमें बता सकते हैं? बिल्कुल हाँ जी। ये पहला यूहन्ना 2:6 है जो कि कहता है कि जो कोई ये दावा करता है कि वह उसमें जीवन जीता है उसे चाहिए कि वह स्वयं भी वैसा ही आचरण करे जैसा कि यीशु का था। अच्छा। यानी कि अगर हम लोग कहते हैं कि मसीह में हैं, अगर हम लोग मसीह में हैं तो हमारा आचरण भी ऐसा ही होना चाहिए। और इसके बाद फिलिपियों 2:5 जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। यानी कि जैसा प्रभु यीशु मसीह था ऐसा ही हमें भी बनना है। उसके बाद जो रोमियो 12:2 इस संसार के सदस्य नए बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जिसमें तुम परमेश्वर की भली तथा मन भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। उसकी इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। ओके यस। तो इस संसार के सदस्य हमें नहीं बनना, यानी कि जब हमारी बुद्धि नहीं हो गई है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है तो हमें अपना आचरण भी प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाना है। ओके आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली। आप और भी इसके बाद पहला पत्रस 1:15 पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो ये सारे वचन जो हमें सिखाते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ऐसे हमें बनना है। तो इन वचनों को फॉलो करके इन वचनों को पढ़कर मैं प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना चाहता हूँ। ओके बहुत बढ़िया।